देखा, चली गई ना नेहा, आसिम को लेके चली गई। वो जरूर फ्लैट ढूंढने गई होगी। वो तो चाहती कि मेरा बेटा ये घर छोड़ के चला जाए यहाँ से। लेकिन मैं उसे इस प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसे कुछ करूंगी, पूरी जिंदगी याद रखेगी और वो आसिम को भी छोड़ देगी। बस कर दे मॉम, बस कर दे। और कितनी तबाहियां लेकर आएंगी इस घर में आप? क्या मेरी वजह से तबाहियां आ रही है इस घर में? मुझ पे इल्जाम डाल रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे भाई को दूर करना चाह रही है हमसे? कैसी बातें कर रही हो और किस लहजे में बोल रही हो तुम मुझसे? कहीं नहीं लेकर गई वो भाई को, सुंबल के यहाँ गई है। क्यों? सुंबल की माँ भी जिंदा है, उसको वहां जाने की क्या जरूरत है? वो उसकी माँ लगती है क्या? हाली भाई से बात करने गई है। हाली भाई से बात करने गई? मेरा तो फोन तक नहीं उठा रही सुंबल, बात ही नहीं कर रही मुझसे, मैं क्या करूँ? कम से कम भाभी के गले लगकर अपना दिल तो हल्का कर लेगी। कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों बहनों को ना एक और सहारा मिल गया। माँ की तो जरूरत ही नहीं, मैं जिंदा ही क्यों हूँ? मॉम, आ गई, मिला ही सुंबुल से, बात कर ली अलियान से? अम्मी, अलियान सुंबुल के बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बात नहीं करना चाह रहा? हाँ, तो फिर सुंबुल को साथ ले आती, क्यों नहीं लाई साथ? वो यहाँ नहीं आना चाहती, जिस हाल में भी है वो वहीं रहना चाहती है। और तुम उसे वहाँ छोड़ के आ गई? हाँ, भाभी ने वहाँ जाकर वो फर्ज निभाया है जो आपको निभाना चाहिए था मॉम। और आप इन्हीं कोई बातें सुना रही है? तुम अपना मुंह बंद करो, बहुत बोलना शुरू कर दिया तुमने, अंदर जाओ, जाओ। वाह, पता नहीं क्या जादू किया तुमने मेरे बच्चों पे। अंबर का तो हाल तुम्हारे सामने, सुंबल मेरा फोन नहीं उठा रही, और मेरा बेटा जो कल तक मेरे सामने नजरें नहीं उठाता था, वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना चाह रहा है। क्या बात है, जब से तुम्हारे मनहूस कदम आए ना इस घर में, मेरे सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होनी शुरू हो गई हैं। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगी अब मैं। क्या समझती हो, बस आराम से बैठ के देखती रहूंगी मैं ये सब तमाशा? या अल्लाह, मुझे सब्र दे, हौसला दे, बर्दाश्त अता फरमा, टूटने से बचा ले। से कहने का हक ही छीन लिया जाए, उसके पास सिर्फ बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं रहता, खाली हाथ रह जाता है वो। मैं जो कुछ भी कहती हूँ जिद में नहीं कहती हूँ, हम दर्दी से कहती हूँ। इस मुश्किल से क्यों नहीं निकलना चाहती हो? बार बार तुम यही बातें क्यों दोहरा रही हो? तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी की मेहमान हूँ, तुम्हारी इज्जत करना मेरा फर्ज है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर होगा तो तुम गलत समझ रही हो। सुंबुल, जिंदगी आसान नहीं होती है, इतनी मुश्किल और अजियत में वक्त गुजारोगी तो जिंदगी और भी लंबी लगेगी। इसी घर में इतना बड़ा हुआ हूं मैं, लेकिन अब इन रास्तों पर जाते हुए वहशत महसूस होने लगी। इस घर में दम घुटता है मेरा,
नेहा को मुझे मना नहीं करना चाहिए था। किसी दूसरे घर में जाके शायद शायद खुद को थोड़ा संभाल लेता मैं। तुम फिर मेरे पीछे आ गए। हाँ तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा पीछा मत किया करो। क्यों नहीं करूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? मेरे घर वालों ने तुम्हें इनकार किया, तुम्हारे दोबारा रिश्ता भी नहीं चाहती। ऐसे कैसे जाऊँगी? छोड़, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने? तुम्हें मेरे साथ शादी? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है। ओए, क्या कर रहे हो? बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। तुम कौन हो भाई? जाओ, मेरी मंगेतर रही है। झूठ बोल रहा है ये। हाँ छोड़। आज के बाद इस लड़की के आसपास भी नजर आया ना तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा, थाने के अंदर करा दूंगा। बहुत ताल्लुक आते मेरे। हाँ चल, देख लूंगा मैं तुम। हाँ देखते हैं, चल चल। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। मेरा घर बराबर गली में ही है, मैं चली जाऊंगी। तुम जानती हो इसको? जी, 2-3 महीने पहले इसने मेरे घर रिश्ता भेजा था। मामा बाबा को पसंद नहीं आया, उन्होंने इनकार कर दिया। तब से मेरे पीछे पड़ा है कि मुझसे शादी कर लो या फिर दोस्ती कर लो। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, घर जाओ, अपने भाई और वालिद को बताओ, और कुछ ऐसा एहतियात करना, उनके साथ ही निकलो, अकेले मत निकलना। वालिद माजूर है मेरे और भाई नहीं है मेरा। अगर वालिद को बताया तो नौकरी चली जाएगी, फिर घर का खर्च कैसे पूरा होगा? आपने मेरी मदद की, बहुत शुक्रिया आपका। अंबर ठीक नहीं है, सुम्बुल यहाँ नहीं है। इस वक्त अंबर को किसी ना किसी की हमदर्दी की जरूरत है, और मैं उसे यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी लड़की हो तुम? मुझसे ज्यादा मेरी बहन की फिक्र तुम्हें, मुझसे ज्यादा तुम उसके बारे में सोच रही। आसिम, अपनों को मुश्किल वक्त में छोड़कर भागने वालों को मैं बुजदिल समझती हूँ, और मैं आपको बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ। और इससे भी बड़ी सच्चाई पता है क्या है? इस वक्त आपके अपनों को आपकी और मेरी सख्त जरूरत है।